बहुत भीड़ के कारण कथा को ब्राह्म करना चाहिए। बिहार के जितने भी लोग हैं अपने घरों से कथा को सुनेंगे, कथा पंडाल में नहीं आना है। आप लोगों में से प्रार्थना है कि अब किसी को लेके मत आना कल। कल का दरबार भी अगर लोग ज्यादा रहेंगे तो विराम रहेगा, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, अगर जरूरत लगेगी तो कल दरबार नहीं लगाएंगे, सामूहिक अर्जी भर लगा देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, इसलिए केवल कथा को करेंगे। तो जितने भी लोग यहाँ हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है और पंडालों में कहीं क्षेत्र में जगह नहीं बची, तीनों पंडालों में ऊपर लोग चढ़े हैं, वहाँ रोडों पूरी जाम हो गई है, तो बहुत ज्यादा गर्मी का सफोकेशन हो गया है। इस मीडिया के माध्यम से हम ये कहेंगे कि कल की ये खबर जारी करवा दी जाए कि कल जो लोग जहाँ हैं वहाँ टीवी से ही कथा देखेंगे और जो है आएंगे नहीं, हमारी प्रार्थना है। और आज भी बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रहा है, श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज की बहुत भीड़ के कारण कथा को ब्राह्म करना चाहिए और आरती करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, अपार भीड़ हो गई है, इसलिए आरती को करना उचित होगा। समय परिस्थिति के कारण पागल ही पागल आ गए हैं, तो सभी जगह क्योंकि लोग ही लोग हो गए हैं, 10 लाख लगभग 10 लाख लोग हो गए हैं, इसलिए हम आरती करेंगे। और इस सफोकेशन के कारण कई लोगों की श्वास रुक जाएगी, ऐसा हमें संदेह अंदेशा हो रहा है, मन में ऐसा हमें संदेह हो रहा है कि एक या दो लोगों को श्वास लेने में दिक्कत बन रही है, इसलिए हम हनुमान जी का नाम लेकर के कथा वही है जिसमें किसी को असुविधा ना हो, इसलिए विराम कर देते हैं कथा को। और कल की सूचना ये जारी करेंगे कि कल बिहार के जितने भी लोग हैं अपने घरों से कथा को सुनेंगे, कथा पंडाल में नहीं आना है, हमारी ये प्रार्थना है। आज की आरती यही करते, देखो घबरा कर नहीं जाना है, जब वापस जावे तो एक एक करके जावे, बहुत सावधानी पूर्वक जावे, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है और पंडालों में कहीं क्षेत्र में जगह नहीं बची, तीनों पंडालों में ऊपर लोग चढ़े हैं, वहां रोडों पूरी जाम हो गई है, तो बहुत ज्यादा गर्मी का सफोकेशन हो गया है। तो हमें ऐसी हनुमान जी की प्रेरणा लग रही है, और कल का दरबार भी अगर लोग ज्यादा रहेंगे तो विराम रहेगा, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, अगर जरूरत लगेगी तो कल दरबार नहीं लगाएंगे, सामूहिक अर्जी भर लगा देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, इसलिए केवल कथा को करेंगे। तो जितने भी लोग यहाँ हैं, आप लोगों में से प्रार्थना है कि अब किसी को लेके मत आना कल, हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा, जो भी ट्रेन की टिकट करवा करके पटना भाग रहे हैं, हमारी प्रार्थना है कि वहीं से लौट जाएं, वापस हो जाएं। और हम उद्घोषक संचालक महोदय से भी कहेंगे, एक बार आप भी बोल दो माइक दे करके, यजमान जी से कह दो, कथा यजमान जी भी एक बार कह देंगे। हमको ऐसा अंदेशा हो रहा है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना घट जाए, क्योंकि कथा से किसी को हानि ना होवे, कथा से राम राज्य की स्थापना होवे, यही हमारा संकल्प है। कथा से हानि नहीं होनी चाहिए, वो कथा किसी काम की नहीं है जिससे हानि हो जाए। और हमें भीड़ बुलाने के लिए या भीड़ दिखाने के लिए कथा नहीं करनी है, हमें बिहार के कल्याण के लिए कथा सुनानी है, इसलिए हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो जहां से आ रहे हैं ट्रेन की टिकट जिन्होंने बुक करवाई है, पटना आ रहे हैं, बाहर वापस हो जावे। और बाहर के लोगों से भी प्रार्थना है कि यहाँ ज्यादा ही भीड़ हो गई है, इसलिए आप लोग आज कहीं दिख भी नहीं रहा है, आप लोग भी बड़ी गंभीरता से जाना और कल कम मात्रा में लोग आना और अपने घर पर सोशल मीडिया पर अथवा टीवी पर कथा को सुनना, हमारी ये प्रार्थना है।